नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं श्री कर्णपुर नगर पालिका प्रशासन के ऊपर एक और बड़ी खबर। श्री कर्णपुर अंधेरी नगरी बनने को तैयार है। जैसा कि आप नीचे हमारी रिपोर्टिंग फोटो और वीडियो में भी देख रहे हैं कि श्री कर्णपुर में हमारे द्वारा रात को 3-4 वार्डों का मुआयना किया गया तो हमने पाया कि सभी वार्डों की स्ट्रीट लाइटें जो है वो बंद थी और मोहल्ले में बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था। जैसा कि आप नीचे हमारी रिपोर्टिंग फोटो में देख रहे हैं कि अब मैं वार्ड नंबर 19 पुराना राधा स्वामी सत्संग भवन रोड पर हूं और इस सड़क पर मैंने पहले भी रिपोर्टिंग वीडियो डाल दी थी, लेकिन उसके बाद अगले दिन से स्ट्रीट लाइटें चला दी गई थी, लेकिन अब फिर 2-3 दिन से वापस इस एरिए की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अंधेरा छाया हुआ है। अब आप देखें कि किस तरह से जो बचपन स्कूल वाली गली है उसमें सारी स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। लोगों द्वारा अपने घरों के बल्ब बाहर वाले जगा रखे हैं जिसके कारण थोड़ी बहुत रोशनी है, लेकिन रात को जब ये बंद कर दिए जाएंगे तब बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। अब आप ये नीचे जो हमारी रिपोर्टिंग फोटो में देख रहे हैं, हम आ चुके हैं पुराने आशा देवी स्कूल के पास वाली गली में। पुराने आशा देवी स्कूल वाली गली है जो उस गली में है। इस गली में भी आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा छाया हुआ है। सभी स्ट्रीट लाइटें जो कि बंद हो चुकी हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब हम आशा देवी स्कूल से आगे वाली गली में आ गए हैं जो वार्ड नंबर 19 और नया वार्ड नंबर 4 की सड़क है। इसमें जो पूर्व पार्षद बलविंदर सिंह सोनी जी का घर है, इस गली में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना गंदा अंधेरा छाया हुआ है। अब जो आप नीचे हमारी रिपोर्टिंग फोटो देख रहे हैं उसमें हम जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो रेगर मोहल्ले की तरफ, और आगे भी आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा आया हुआ है। इसके बाद अब हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 16 की तरफ जो फाटक वाली गली है। इस वार्ड के जो पार्षद हैं वो हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं, लेकिन चेयरमैन साहब का खुद का वार्ड अंधेरे में छाया हुआ है। हमारे द्वारा इस गली के ऊपर 2-3 बार रिपोर्टिंग वीडियो डाल दी गई है, लेकिन फिर भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके बाद अब हम आ चुके हैं श्री कर्णपुर नेहरू पार्क एरिया में। आप देख रहे हैं कि नेहरू पार्क के आसपास की गलियों में कितना गंदा अंधेरा छाया हुआ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, और अगर लोग हमारे द्वारा जो पहले जो रिपोर्टिंग वीडियो बनाई गई हैं, ये फोटो जो इस वीडियो में मैंने डाली हैं, उसमें लोग अपने बाहर की जो घर की लाइटें बंद कर दें तो इसी तरह से हाल हो जाएगा जो अब नेहरू पार्क के एरिए का है। इस गली में सारे मोहल्ले वालों ने अपने बाहर की लाइटें बंद कर दी हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा।
नगर पालिका प्रशासन मजे ले रहा है श्री कर्णपुर जनता की भावनाओं के साथ। क्यों श्री कर्णपुर जनता को इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर खराब किया जा रहा है? सड़कें जो बन रही हैं वो अगले एक महीने बाद टूट रही हैं, स्ट्रीट लाइटें आधे से ज्यादा कर्णपुर की बंद हो रही हैं, प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और कोई भी नहीं है जो इनके ना काम करने पर इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सके। जनता को सिर्फ चुप करके बैठना पड़ेगा, इनकी तानाशाही ऐसे ही चलती रहेगी। इनके ऑफिस के चक्कर लगाओ, धक्के खाओ, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जाती। जल्द मिलता हूं आपसे एक और सच्ची खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरी आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा किसी भी तरह की कोई खबर, घटना या स्टोरी डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और जुड़े रहें हमारे साथ रियल हेडलाइन न्यूज चैनल के साथ। जल्द मिलूंगा आपसे एक और सच्ची खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन।